सबको परेशान करने का सोचा? क्या कहूँ मैं तुम्हें, तुम लोग मुझे चिढ़ाते हो। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, तेरे सपने में। ये पक्का क्रिश है गलत टाइम पे। हाँ जल्दी चलो, वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। क्या फुसफुस कर रहे हो? तुम क्यों हंस रही हो? क्या मैंने कोई जोक मारा है? क्या तुमने देखा? क्या वो लोग अलमारी में चले गए? तुम बेवकूफ हो, वो बस डरपोक बिल्लियां हैं जो हमारा ध्यान भटकने पर यहाँ से उछल गई। वो मुझसे दूर नहीं जा सकती हैं। आई क्रिस, हम उन मतलबी लड़कियों को उनको उनकी जगह दिखाने ही वाले थे और उसी वक्त तुम हमें यहाँ ले आए। हाँ बिल्कुल, वो सोच रहे होंगे कि हम डर कर भाग गए। जिंदगी अनफेयर है डार्लिंग्स। गुड मॉर्निंग स्पाइस, आज तुम्हें नया मिशन मिलेगा। कंप्यूटर से बात करना उस एरिया से डील करने से काफी बेहतर है। मिशन क्या है? दुनिया भर के बड़े लोगों की शादियों को खराब करना है। वाओ, ब्राइड्स इतनी पागल हो जाती हैं और पागलों की तरह नाचने लगती हैं। मुझे लगता है ये कूल है। अगर मेरा दूल्हा एक करोड़पति हो तो मैं भी ऐसे ही नाचूंगी। लड़कियों, ये मामला सीरियस है। खबर आई कि अगला टारगेट प्रेसिडेंट की बेटी की शादी है। समझ रहे हो ना मेरी बात? शुक्रिया मेरी जान। वाओ, क्या हम प्रेसिडेंट की बेटी की शादी तबाह करने जा रहे हैं? हाँ, लेकिन पहले इस वेडिंग के बारे में जान लेते हैं। देखो, इसे इस तरीके से करना था और तुम लोगों ने जो किया वो बिल्कुल गलत था। देखो जरा, ऐसा लगता है इनसे वेडिंग ड्रेसेस में कुछ अलग है। लेकिन क्यों? मैं सीजन के सारे कलेक्शंस जानती हूँ। ड्रेसेस पर फ्लैशलाइट्स नहीं होते। किसी ने स्पेशल गैजेट्स ड्रेस पे लगा दिए होंगे और फिर उसे ट्रैक किया होगा। तुम्हारे लिए मैंने पहले ही सारी जानकारी निकाल ली है। सब ड्रेसेस फेमस डिजाइनर टायरेलिनो ने डिजाइन किए हैं। तुम्हें उसके फैशन हाउस में घुसना होगा। और ये रहा तुम्हारा गियर। ओह हील्स, संभाल कर देखो उसे, उसने हील में ड्रिल लगा रखा है। बेवकूफ। ठीक है, ये तो जबरदस्त है, हम सीधे फैशन हाउस के अंदर होंगे। चलो तुम चले फिर। कमर 24 इंच। 24। अरे नहीं, क्रिस ने हमें कचरे में छोड़ दिया है। ठीक है, कम से कम कचरे की तरह बदबू तो नहीं आ रही। टायरेलिनो, मेरा फेवरेट डिजाइनर। चुप रहो, हमें उसे डिस्ट्रैक्ट करके ड्रेस रैक चेक करने का तरीका ढूंढना है। ये स्पाई हील्स बहुत ही आवाज कर रही है, मैंने क्यों ही पहन लिया इसे। केसी, तुम हमारी फैशनिस्टा हो, तुम्हें कुछ डिजाइनर्स को परेशान करना होगा 5 मिनट के लिए बस। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ ठीक है, अब मुझे कुछ ग्लैमरस दिखाओ, मैं चाहता हूँ कि ड्रेस चमके। क्या तुम मेरी बात समझे? शाबाश। वो इसे बिल्कुल कर सकती है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। सच में बहुत अच्छा आइडिया है। इसको देखकर तो एक गाना याद आ रहा है, लागा चुनरी में दाग। ये क्या कर दिया तुमने? बेकार टेस्ट की सीमा कर दी पार, जो सीधा लगी मेरे दिल के पार। बेकार। आराम से भाई, आराम से बैठो। दर्द हो रहा है मेरे। केसी, ब्रिलियंट। अब चलो ड्रेस रैक में भागकर हम जल्दी से उन हिडन डिवाइसेस को ढूंढें। ओए बचा लो मुझे। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब टायरेलिनो ड्रेसेस पर डिवाइस नहीं लगा हुआ था। इससे पहले कि हमें कोई पकड़े, हमें यहाँ से निकलना होगा। वहीं रुक जाओ। तुम लोग कौन हो? टायरेलिनो को अपनी वर्कशॉप में कोई और पसंद नहीं। हमें छुओ मत प्लीज। अब
अब क्या प्लान है? पाउडर बॉक्स जल्दी से खोलो। क्या ये लोग कहाँ गायब हो गए? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, वरना हम बायो टेस्ट के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ, और हमें भी क्रिश से संपर्क करके बताना होगा कि हमें कुछ भी नहीं मिला है वहाँ पे। ओह नो, क्या हुआ? मैंने वो स्पाई हील्स के साथ जो ड्रिल थी उसे उतारना भूल गई और मेरे कदमों ने यहाँ होल बना दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल माफ कीजिए, हम क्लास ही जा रहे हैं। क्या छेद? तुमने टाइल में छेद कर दिया? जरूर तुमने ये छेद अपनी हाई हील से किया है ना? यहाँ मुझे नहीं पता सच में। तो अब तुम यहीं पर रहोगी जब तक ये होल तुम ठीक नहीं कर देती हो, और बाकी सब लोग अपनी क्लास के लिए जल्दी निकलो। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। ग्वेन, बी स्ट्रॉन्ग। अरे रुको। ओ अरे यार, मुझे कहाँ ले जा रही हो? मुझे क्लास रूम में जाना है। कौन सी क्लास? चलो क्रिस को कॉल करते हैं, टाइम नहीं है। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी वजह से टेस्ट छोड़ दूं? तो बताओ फिर, कुछ मिला क्या? वहाँ ड्रेस पर कोई भी डिवाइसेस नहीं थे। तो ड्रेसेस को स्टूडियो ले जाते वक्त प्रोग्राम करने वाले होंगे वो। तो फिर अब प्लान क्या है? कपड़ों वाले वैन को ट्रैक करो और उसमें घुसो। क्या? जाओ। अब तुम टेस्ट के लिए पढ़ना शुरू करो। बेवकूफ, हम स्कूल के बाद दुनिया को बचाएंगे। पागल है, हमें ग्वेन को ये बताना होगा। चलो हम स्कूल के पीछे उसे मिलते हैं। चलो। माफ करो, मैं यहाँ हूँ। फाइनली मैं पहुँच गई। ये तुम्हें क्या हो गया ईवा? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम टॉप स्टूडेंट होकर इतनी छुट्टियां करती हो। वो बाथरूम का डोर अटक गया था, और ये वैसे भी एक बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, मैं तुम्हें टेस्ट देने के लिए एक आखिरी मौका देती हूँ, लेकिन इसके बाद कोई क्लास बंक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मिसेस क्रिस्टी। ठीक है, हमें वैन के रूट का पता लगाना होगा। ये और ये, हाँ मैं समझ गई। हम आज रात एक एडवेंचर पर जाएंगे। ओ रुको, टेस्ट करते हैं। ये चलो पास हो जाऊंगी अब मैं। देखो फिर से कहीं चली गई है। अरे ये क्या है? क्या ये चीटिंग कर रही है? अरे ये मैप किस चीज का है? आखिर वो किस काम में लगी है? ये स्पाई हिल्स तो एक आफत है, मुझे उसकी वजह से एक टाइल स्ट्रीक करना होगा। क्या लड़कियों ने कोई मैसेज छोड़ा होगा? क्या हमें ड्रेस वाली वैन में रात को ब्रेक इन करना है? ये तो पागलपन है। काफी दिलचस्प, हमारी स्टार एथलीट कर क्या रही है? मुझे मिशन की तैयारी करनी चाहिए। अबे यार, इन लोगों के पास आखिर ये है क्या? एक बंदूक? हाँ यही है। मुझे एरियल को तुरंत ये दिखाना होगा। ग्वेन और उसकी सहेलियाँ क्रिमिनल्स हैं। इन्हें देखो, कितने गंदे हैं ये। ऐसा कैसे कि टाइलर जैसा बेवकूफ केसी के साथ है? क्या प्रॉब्लम है तुझे? देख नहीं सकती, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ। देख नहीं सकती? टाइलर क्या चल रहा है? तुमने मुझे कॉल नहीं की। मैं भला तुम्हें कॉल क्यों करूँगा? मैं स्कूल की कूलेस्ट लड़की हूँ, स्कूल के सभी लड़के मुझे कॉल करते हैं। एरियल दूर हो जाओ। और तुझे पता है इसे तेरे जैसी लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं। बिल्कुल सही, क्या तेरे पास दूसरों को परेशान करने के अलावा कोई काम है? लगता है यही तेरी हॉबी है। ओह मुझे किसी हॉबी की जरूरत नहीं, मैं पहले ही बहुत कूल हूँ। ओह वाह सिंडी है। अरे हम कुछ सोच लेंगे। सिंडी कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं है? ओह वाह सिंडी है। ये सब क्या है? क्या ये एक लेजर गन है? अजीब है ये। या फिर वो स्टार वॉर्स फैन है।
सच में ये तीनों कुछ छुपा रहे हैं। हाँ। चलो हम उन पर नजर रखते हैं। अरे वो देखो, वो बॉक्सेस को कार में लोड कर रहे हैं। जब कार उन्हें स्टोर ले जा रही होगी तब हमें उन बॉक्सेस में देखने का टाइम मिलेगा। क्या तुम्हें लगता है उन्होंने ड्रेसेस पैक करते हुए गैजेट्स लगा दिए होंगे? हाँ हो सकता है, या शायद ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लगा दिए, हमें पता लगाना होगा। ये है कि किसी को बिना देखे कार में स्नीक करना है। हाँ, हाँ। भाभी जी अब हमारे घर नहीं आती है। भाभी जी आप मानोगे नहीं, हमारी झुमरी तलैया में 2 BHK का झोपड़ा है। मैं तो पसीने बहा रही हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। चलो इन बॉक्सेस को खोलते हैं। वाओ, ये ड्रेसेस तो कितनी खूबसूरत है। क्या तुमने कुछ अजीब देखा? नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब क्या प्लान है? आगे बढ़ते रहो, हम मूविंग कार से बाहर ही नहीं उतरेंगे। प्लस कौन जानता है राइड में क्या होगा, हमें इंतजार करना होगा। वाओ, ये कार कहाँ जा रही है? पास के टाउन में है। क्या? हम पहुंच गए, चलो बाहर निकले। हम घर कैसे वापस जाएंगे? मुझे लगता है कि चलो क्रिश को कॉल करते हैं, वही मदद करेगा हमें वापस आने में। उसे फोन करो, हमें अपना अगला कदम तय करना होगा। तुम लाजवाब की कंप्यूटर गर्ल हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे होने वाले बच्चे उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना लेंगे। सुनो, तुमने अभी कुछ भी नहीं देखा, ठीक है? न्यूज़ क्या है? कुछ नहीं, जब तुम वहाँ उस इमोशनलेस मशीन को प्यार कर रहे थे तब हम एक शहर में पहुँच गए और हमें कुछ भी नहीं मिला, ड्रेसेस पे कोई डिवाइस नहीं था। तो हमारी थ्योरी ड्रेसेस के बारे में गलत है, हमको प्रेसिडेंट की बेटी का पीछा करना होगा। क्या? ड्रेसेस शादी से पहले ही प्रोग्राम होते हैं और हमें पता लगाना होगा कि ये कैसे होता है। हम प्रेसिडेंट की बेटी को पीछे करेंगे, कूल। बस अच्छे से ध्यान रखना। पर हम घर कैसे वापस जाएंगे? क्रिस, हमारी बात खत्म नहीं हुई है। ओ, मुझे भागना होगा, कल मिलते हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग, ग्वेट कहाँ है? हर बार की तरह वो जिम में है। तुम फिर से बुक्स पढ़ रही हो इवा? अगर हम इसी तरह मिस्ट्री मिशन पे उड़ते रहेंगे तो मेरा स्कॉलरशिप पाने का जो सपना है अधूरा रह जाएगा। उम्मीद है कि अभी तक तुमने हमारे बारे में किसी को नहीं बताया है। Hey ladies, what's up? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा राज नहीं खोलूंगा। अरे मैं समझता हूँ तुम सुपर सीक्रेट एजेंट हो। टायलर चल करो, मैं सिर्फ केसी हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी फेवरेट गर्ल। इवा, मुझे तुमसे एक सीरियस बात पूछनी है। कल जब तुम टेस्ट दे रही थी तब मैंने वहाँ पर एक टैब देखा। पहले मुझे लगा तुम चीटिंग कर रही हो, लेकिन बाद में मैंने ध्यान दिया तो उस पर हमारे शहर का मैप बना हुआ था और वो ब्लिंकिंग भी कर रहा था। क्या है वो? अरे तुम कैसे स्लिप कर सकती हो? अरे यार, शायद तुमने बस इमेजिन किया होगा। नहीं, वहाँ पर सच में था। रुको, मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ, एक मिनट। अरे यार, ये सिर्फ एक गेम है। ये गेम ही है, ये लॉजिक थिंकिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, टेस्ट के दौरान मैं थोड़ी थक गई थी तो मुझे लगा मैं थोड़ी सी मेंटल ट्रेनिंग कर लूँ, जैसे वर्कआउट और एक वार्म अप। हाँ, तुम लोग किस बारे में बात कर रही हो? चुप रहो। ये सिर्फ स्कूल में कुछ करने की बात नहीं है। इवा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम एक बार जाकर स्कूल काउंसलर से मिल लो और उनसे बात कर लो। हाँ, तो यहाँ पर टायलर पर आरोप लगाकर क्या हासिल हुआ? तुम भी कोई कम नहीं हो, तुमने प्रिंसिपल के सामने ऑलमोस्ट हमारा पर्दाफाश कर दिया था। सॉरी, मैं एक्सीडेंटली टैबलेट वहाँ पर छोड़ गई थी। थोड़ा केयरफुल रहो, स्कूल में हमारी पहचान के बारे में पता चला तो हम गए। हाँ, 1 2 3 4। क्या बकवास है ये, मैं एरियल के साथ क्यों चलूं उसे नहीं पता। क्योंकि मैं स्टार हूँ और सभी लोगों को मेरे साथ चलना चाहिए। तुम टॉप एथलीट हो, लेकिन एरियल ज्यादा पॉपुलर है। वेल, मैं सरवाइव कर लूंगी,
वेल, एरियल को पता है कि तू स्कूल के बाद प्रोग्रामिंग कोर्सेज अटेंड करती है। उसे मत बोलो बेवकूफ, वो मुझसे नफरत करती है। मेरे पास कुछ है जो तुम्हारे पास नहीं है, जिस पर तुम्हें गर्व होगा। मेरी मेडल्स तुम्हारे लिए बेकार है। क्या तुम्हें लगता है कि मेडल जमा करने से तुम कूल बन जाओगी? मैंने मेहनत की है उसे जीतने के लिए। वैसे भी एरियल, क्या तुमने कुछ अचीव किया है, कुछ भी जीता है तुमने? क्यों भाई, मैं तो ऑलरेडी सुपरस्टार हूँ। ये सच नहीं है। तुम दूसरों को नीचा दिखाने से अपनी ईगो बूस्ट करती हो क्योंकि तुम जेलस हो। तुम्हारे पास कोई रियल पैशन नहीं है। चुप हो जाओ, शायद तुम क्रिमिनल हो या फिर स्पाई। सही कहा ना मैंने? क्या मजाक है ये, मेरे पास तो बस एक लेजर गन है। और फैक्ट ये है कि तुम और तुम्हारे दोस्त मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं इसके बारे में पता लगाऊंगी। तुम्हें क्यों पता होना चाहिए? क्या तुम चाहती हो कि मैं स्कूल से निकाल दिए जाए? बहुत वक्त की बात है। एरियल, तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या मैं इसको मिसेस क्रिस्टी को दिखाऊं? जैसे चाहो वैसे करो, ये तो बस एक टॉय गन है मेरे छोटे भाई के लिए। उसकी तो कोई भाई भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4। आज तो हम बोरिंग क्लास में फंस ही गए हैं। हाँ, अब तो प्रेसिडेंट की बेटी पर नजर रखनी है। लेकिन वो कहाँ हो सकती है? मैं उसकी लोकेशन ट्रैक करती हूँ। एक मिनट। तो क्या तुमने उसे ढूंढा? हो, तुम्हें वो जगह जहाँ हम जा रहे हैं पसंद आएगी। हम कहाँ हैं? क्रेजी घर सबसे ट्रेंडीएस्ट क्लब में से एक है। वाओ। केसी, हम पे कोई नजर रख रहा होगा। लेकिन मुझे भी तो मजा लेना है। देखो वो वहाँ, प्रेसिडेंट की बेटी। ओ, ये कितनी सुंदर लग रही है, मैं भी ऐसा बनना चाहती हूँ। कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। वो एक आम लड़की लग रही है, शायद पूरी तरह नहीं। ये कहाँ से मिल गया? वाह, क्या बात है एलिस! वहाँ देखो, उसके दोस्त उसके लिए कॉकटेल लिए है। उसको उससे क्या है? अरे नहीं, एलिस के कॉकटेल का टेस्ट बेटर है। एलिस, 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 एलिस! उसने बस अपने दोस्त की कॉकटेल से एक सिप ली है, कुछ अनोखा नहीं है। देखो बस अब आसपास देखो। किसी शायद इस क्लब में औरतों का न्यूज़पेपर पढ़ना एक आम बात है। ये लड़की उस प्रेसिडेंट की बेटी को देख रही है। अफसोस, वो खतरनाक हो सकती है। हमें इसे तुरंत क्रिश को रिपोर्ट करना चाहिए। ओ, रुको रुको, ये तुम क्या कर रही हो? उसके साथ में यहाँ क्या कर रहे हो? प्रेसिडेंट की बेटी पर नजर रखनी था। ग्वेन ने हमें यहाँ भेजा, वो एक अपराधी था। हाँ, और हमें उसका पीछा करना चाहिए था और बड़ी बात पकड़नी चाहिए थी। तुमने अपराधी को अकेला छोड़ दिया उसके साथ में? अरे तुम्हारा वाला सच कह रहे हो क्या? तुम नफर, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था। तुम भी कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ एक कंप्यूटर हो, तुम्हारे पास कोई दिमाग नहीं है। फिर भी मेरा आईक्यू तुमसे कई गुना ज्यादा है। अब बस भी करो। सॉरी, बस मैंने ऐसा सोचा कि सबसे पहले तुम्हें उस औरत के बारे में बता दूं। वो कैसी दिखती है बता? वो एक 100 साल बूढ़ी औरत जैसी लग रही थी। एक अजीब औरत पार्टी के बीच में एक न्यूज़पेपर के साथ बैठी, क्या तुमने उस पे कोई शक नहीं किया? हाँ, तो इसीलिए तो हमने तुरंत भाग लिया वहाँ से। जाके उसका पीछा करो और पकड़ लो उसे जाके।
कचरे को नहीं छू सकती। ध्यान से सुनो, मेरी शादी होने वाली है और मुझे सिर्फ बेस्ट चाहिए। अरे रुक जाओ, हमारे कैफे को छोड़कर मत जाओ प्लीज। अरे यार, ये औरत अभी तक यहाँ क्यों है? उसे तो प्रेसिडेंट की बेटी का पीछा करना था। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारा पीछा कर रही है। चलो अभी उसे पकड़ लेते हैं और पता लगाते हैं वो कहाँ है। यहाँ आओ अजीब औरत। हैरियल, चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। हमारा पीछा? हम सोच रहे थे तुम प्रेसिडेंट की बेटी को देख रहे हो। मुझे पहले ही पता था। तुम्हें इसकी परवाह भी क्यों है? मैं जानती थी कि तुम जासूस हो, इसीलिए तुम्हारा पीछा कर रही थी मैं। ठीक है, तो अब तुम सच जानती हो कि तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम हमें स्कूल से बाहर निकलवाने के लिए सबको बताओगे? हाँ नहीं, मैं भी तुम में से एक बनना चाहती हूँ। क्या? तुम सबके पास हॉबीज हैं, तुम सब कुछ कर रही हो और मुझे देखो, मैं भी इंटरेस्टिंग बनना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। तुम सच में बुरी इंसान हो। प्लीज 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 प्लीज, जल्दी भागो। कहाँ जा रहे हो? मेरा फेवरेट मेडल पीस, मेरा फेवरेट मेडल पीस। तुम लूजर हो। हाँ, क्रिस, हम मुसीबत में। हाँ बताओगे चला? न्यूज़पेपर वाली लेडी, वो हमारे दुश्मन नहीं है। मैं तो पहले ही समझ गया था। ये रहे असली क्रिमिनल के कोऑर्डिनेट्स। ये कहाँ से मिल गया? जब तुम लोग मस्ती कर रहे थे ना, एक इंसान ने मैं असली दुश्मन को ढूंढने में मदद की। कौन? तुम्हारा नया टीममेट और कौन? मैं ऑलरेडी यहाँ हूँ। क्या बात है? ये तुम्हारी टीम में शामिल होने की खुशी में रियल दुश्मन को तुरंत ढूंढ लेगी, ये बात हमेशा याद रखना। हम एरियल के साथ काम नहीं करेंगे, वो चुड़ैल है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, समझे? फिर से हम टेलीरिनो बुटीक पर ही पहुंच गए। धन्यवाद एरियल। क्योंकि तुमने सबसे कीमती डिटेल छोड़ दी। कौन सी डिटेल? क्या तुमने कभी सोचना बंद किया कि वो गैजेट्स ड्रेसेस पर दिखाई देते हैं? तो इसमें बड़ी बात क्या है? क्योंकि हमने कभी भी इसके बारे में सोचा ही नहीं, पर अब समझ गए हैं। हाँ? अभी हमें इस क्रिमिनल को पकड़ लेना चाहिए। मैं उसे डरा दूंगी, तुम लोग तार को पकड़ लो। रुक जाओ, वेट करो, हम उसे डरा देंगे। तुम अकलमंद बन रही हो क्या? मैं बहुत दिनों से स्पाई हूँ। तो क्या मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए? तुम दोनों में क्या चल रहा है, बस करो। हमारी आवाज सुन ली जाएगी। अरे सुनो, तुम चुप रहो। हमारी आवाज सुन ली जाएगी। मैं जो कह रही हूँ एक बार वो सुनो। सुनो तो सही। मैंने कहा था कि हमें देखना चाहिए कि क्रिमिनल आगे क्या करने वाला है। वो देखो भाग गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, गधी। क्या तुमने देखा कि क्रिमिनल यहाँ है? कौन? नहीं, वो लड़की स्काई मास्क में है। अगर मैंने उसे देखा होता तो पुलिस में फोन कर देती। तुम लोग कौन हो? अब भूल जाओ, चलो यहाँ से चलते हैं। सच में तुमने क्रिमिनल से वो फिर कैसे जाने दिया? इस बार सब एरियल की वजह से हुआ है, उसने मुझसे झगड़ा शुरू किया था। तुम दोनों को मिलना होगा, प्रेसिडेंट की बेटी की शादी कल है। अब हम इस वेडिंग को कैसे बचाएंगे? तुम वहाँ जाकर देखो और देखो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है वहाँ पे। नहीं, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी? अगर तुमने लड़ना बंद नहीं किया तो मैं सारे स्पाइकर को जब्त कर लूंगा और स्कूल से भी नहीं बचाऊंगा तुमको। स्वीट ड्रीम्स। अरे, मैं प्रेसिडेंट की बेटी की वेडिंग में जा रही हूँ। हमें पहले स्कूल जाना होगा। हाँ, मैं सो रही हूँ। मैं इस क्लास को छोड़ने के लिए तड़प रही हूँ, बस बेल का इंतजार करना होगा। मैं काउंट करती हूँ। 3, 2, 1। रुक जाओ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हमारे पास अनुमति है। क्या तुम भूल गए? हाँ, शहर के कंपटीशन के लिए क्ले मॉडलिंग के लिए। मैं तो तुम लोगों को कभी भी क्ले मॉडलिंग करते नहीं देखती हूँ। वैसे भी तुम सब कहीं नहीं जा रहे हो। ओह नो, क्लासरूम में जाओ। नहीं जाओ, हम
अब हम क्या करेंगे? अगर प्रेसिडेंट के लड़के की शादी बिगड़ जाती है तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्रिश हमें बहुत मुश्किल देने वाला है। हेलो हेलो, क्या? नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। इधर आओ। उन्होंने मुझे कॉल किया। प्रेसिडेंट, तुम्हें कैसे पता? उन्होंने तुम्हें क्लास से जाने की अनुमति देने के लिए कहा है। तुम लोग अब जा सकते हो, मुझे तुम लोग के लिए टेस्ट लिखना है। क्या बात है, प्रेसिडेंट खुद शादी में शामिल होना चाहते हैं। मुझे लगता है क्रिश हमारे साथ मजाक कर रहा है। क्या सच में लगता है कि प्रेसिडेंट इस पागल को कॉल करेगा? ठीक है, चलो भागो। ओ टेलरिनो, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें शादी में शामिल हुए। तुम्हें पता है मैं फैशन के लिए पागल हूँ। मम्मी हमले सीमा, काम पे लग जाओ। सीरियसली सबके साथ फ्लर्ट करना बंद करो। बंद करो, तुम्हें पता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड जैसे दिखते हो। क्रेजी है। परफेक्ट। ईवा, चलो शादी शुरू करते हैं। ठीक है। हे दोस्तों, हम आज एक खूबसूरत दिन पर दो दिल मिलाने के लिए यहाँ पर जमा हैं। कृपया करके हमारे दुल्हन का नरमी से स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारी खूबसूरत दुल्हन का। आखिरकार प्रेसिडेंट की बेटी तक पहुंच गई है। मेरा इनविटेशन देखो लूजर्स। कोई मेरे होने वाले फियांसे को बुला दो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। चलो चले, घर में एक क्रिमिनल है। मेरी मदद करो। पकड़ो उसे। मुझसे बचोगी नहीं। पकड़ो उसे, जल्दी जल्दी से पकड़ो। इधर से घेरो। पकड़ो उसे जल्दी से। क्या तुम सोचती हो मुझे डर लगेगा? तुम क्या सोचती हो मुझे डर लगेगा? सरप्राइज। पकड़ लिया ना। थैंक यू, मैंने लगभग उल्टी कर दी थी। चलो इस समस्या का सब मिलकर सामना करते हैं। सिंडी, क्या हुआ? हाँ मैं हूँ। तो क्या चल रहा है ये? तुम आईटी कोर्स ले रहे हो लेकिन तुमने सभी को इस डिवाइस के लिए पागल बना के रखा है। सच में ये क्या है? सच में हमारे स्कूल में एक जीनियस होशियार लड़की है। हाँ, मुझे गैजेट्स बनाना पसंद है। मैं भी रिच लड़कियों की तरह बनना चाहती हूँ और राजकुमार से शादी करना चाहती हूँ। ओह स्वीटी, दुनिया बहुत जालिम है और तुम्हें समझना चाहिए। अब तो तुम्हें समझना ही पड़ेगा। और हमारे स्कूल में हमेशा एरियल की छाया में थी। हाँ सिंडी, तुमने बवाल मचा दिया है। कोई बवाल नहीं मचा, देखना तुम पछताओगी। जल्दी से व्हाइट हाउस में पुलिस को बुलाओ, हमने क्रिमिनल को पकड़ा है। मुझे जाने दो। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं बहुत ही उत्सुक हूँ आपके लिए। बड़े सम्मान की बात है, आप लोगों ने मेरी बेटी की शादी बचाई और उस बदमाश को पकड़ने में बहुत ही ज्यादा मदद कर दी। इसीलिए मैं आप लोगों का नकली मेडल से असली सम्मान करना चाहूँगा। बधाई हो, और ये मेडल आपके लिए। आप बहुत ही खूबसूरत है। आप अपना नंबर दीजिएगा ना। मुझे गर्व है माय लव। हमारे लिए क्या है? मजदूरी करो, जाओ कमाओ। ओह, ये क्या बात हुई? हमने उनकी बेटी को बचाया और उन्हें रिवॉर्ड मिला। तुम लूजर हो। हद है ये, हमारे मेडल्स कहाँ पे हैं? मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेडल का आनंद लो कंजूस। हम वापस स्कूल जा रहे हैं, वहाँ हमें समझते हैं और हमें अपने बेवकूफ टास्क के लिए
कॉल भी करने की कोशिश मत करना, हमें इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। 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 यार मैं असली हीरो हूँ, टैलेंट है। हमने कल पूरी तरह से सिंडी को हरा दिया। हाँ। सच में मैंने उस साइको के साथ टाइम बिताया, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। थैंक गॉड मैं ऐसी नहीं हूँ। ओ छोड़ो भी, क्रिश के साथ लड़ाई करके अच्छा नहीं लग रहा, मुझे उसकी याद आ रही है। हाँ और उसके बेवकूफ गैजेट्स भी। पर्स तो बहुत अच्छा है और यहाँ दोस्त भी तो है। तुम सब बहुत बड़ी मुसीबत में हो। कैसे? तुम्हारे फोन प्रैंक के लिए। कौन सा प्रैंक? मैं नहीं जानती कि मेरे साथ प्रेसिडेंट बनकर कौन मजाक कर रहा था, लेकिन तुम सबको इस बात की सजा मिलेगी। तुम सब स्कूल के बाद अब यहीं रुकोगी। ओ, नहीं। उसे छोड़ो यार, तुम हीरो हो, आखिर तुमने मुझे बचाया है। एरियल क्या तुम हमारे साथ हो? नहीं यार, स्पाई बनने में मुझे मजा नहीं आया, इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन तुमने तो मस्ती की थी है ना? मुझे बस दिखावे में इंटरेस्ट है, ना कि दिमाग में। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं। हाँ, कुछ भी नहीं बदला उसको। हाँ। मैं तो बस हैंडल नहीं कर पाती। हेलो क्रिस, तुम्हारे पास हमारे लिए कोई मिशन है? और कोई प्लान है? हंसना बंद करो, ये तो पागलपन है। ये तो कर रही है। क्या बात कर रही हो? हे ईवा, तुम हंस क्यों रही हो? क्या मैंने कोई मजाक किया है? ऐसे ही, मुझे कोई और काम नहीं है, मैं पहले से ही कूल हूँ। जो वो सिंडी की आंखों को क्रीम जो है वो धो रहे हैं। मैं जानती थी कि तुम जासूस हो, इसीलिए तो। तुमने हमें परेशान कर रखा है।